हाय एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वेलकम टू अन अकेडमी झारखंड स्टेट एग्जाम सो कैसे आप सभी आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आज तो कुछ खास दिन है है ना आप सभी जानते हैं और जितने सारे लोग लाइव जुड़ चुके हैं एक बार बताएं एम आई ऑडिबल इंडिबल ठीक है क्या मैं आप सभी को दिखाई दे पा रहा हूं सभी को जोहार जितने सारे लोग लाइव जुड़ चुके हैं एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा लाइक कर दीजिएगा और अगर किसी तरह की कोई समस्याएं आ रही हो तो आप उसे जरूर बताने का की प्रयास कीजिएगा सो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और ऑडियो इज क्लियर ग्रेट तो आज की सेशन जो है काफी ज्यादा शानदार होने वाली है और यादगार भी क्योंकि आज जो है एक तो आप झारखंड की नदियों के बारे में आप विशेष तौर पर पढ़ेंगे और भी कुछ खास चीजें होने वाली है जो मैं आज, आज आपको बताने वाला हूं और यह सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि जो है और सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए पूरी दुनिया के लिए जो आपका एक तरह से है ना अचंबित करने वाली चीजें होने वाली है दोस्तों आप सभी को पता है ठीक है कुछ चीजें बेहतरीन होती हैं तो मजा आता है चलिए शुरू करते हैं इसी बेहतरी के साथ आज की क्लास को मेरा नाम है उदित कुशवाहा और मैं आप सभी का अन झारखंड स्टेट एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं तो आज लाइट नहीं है तो पावर की समस्या है ठीक है लगभग पूरे दिन भर आज पावर की समस्या रही है हालांकि कोई बात नहीं ठीक है आप सभी को बता दें कि आपने मिशन चंद्रयान थ्री का नाम जरूर सुना ही होगा ठीक है तो मिशन चंद्रयान थ्री की बात करते हैं तो अगर बात करें तो चांद की ध्रुवीय सतह पर चंद्रयान थ्री बुधवार यानी जो है आपका कल की शाम को करीब छह बज के चार मिनट पर लैंड करेगा ये वाकई में हमारे लिए और जो है आपका पूरे भारतवासियों के लिए जो है एक मतलब किसी उपलब्धि से कम नहीं होने वाली है ठीक है बहुत गर्व वाली बात है और जितने सारे वैज्ञानिक जितने सारे लोग इस पर जो है जुड़े हुए हैं चाहे वो आपका वैज्ञानिक से हो या फिर आपका जो है नॉन साइंटिफिक वर्क से हो और इनमें जो आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट योगदान दिया है उन सभी को सत नमन की इस मतलब ऐतिहासिक क्षण को जो है ठीक है पूरे भारत वर्ष के लिए गर्व का क्षण लाने के लिए जो है आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया सभी को जय हिंद और आप सभी को बता दें दोस्तों कि जो है आपका नेशनल स्पेस एजेंसी के अनुसार पूरी दुनिया चंद्रयान थ्री के विक्रम लैंडर की लैंडिंग को लाइव देख सकती है इसरो ने लाइव ट्रैकर लॉन्च किया है जिसके जरिए आप चंद्रयान थ्री की लाइव लैंडिंग देख सकते हैं इसरो का लाइव प्रसारण जो आपका 23 अगस्त यानी कल जो है वो ऐतिहासिक दिन होने वाला है ठीक है शाम करीब पांच बज के सत्ताईस और इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट इसरो जीओवी डॉट इन और साथ ही साथ जो आपका उन्हीं के फेसबुक पेज और यूट्यूब पर भी लाइव प्रसारण देख सकते हैं हालांकि इसके अलावा कई सारे मीडिया चैनल पर भी आप इसको देख सकते हैं हालांकि अभी जो है एक जो है इसरो ने क्योंकि हमेशा से जो है आपका टेक्निकल टर्म का एक तरह से यूज किया है लेकिन इस बार जो है आपका ठीक है जो टर्म यूज किया गया है थैंक्स फॉर द राइड मेट यानी सवारी के लिए शुक्रिया साथी ठीक है इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके जो है आपका इसरो ने अभी हाल ही में ट्वीट किया है और ध्यान रखेंगे इसके कारण से जो है आपका काफी ज्यादा लोग मतलब उत्साहित है इस चीज को देखने के लिए इस मतलब ऐतिहासिक क्षण के लिए जो है आपका काफी मतलब मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होंगे इस पल के लिए ठीक है तो कितने सारे लोग एक्साइटेड हैं इस मोमेंट और इस क्षण के लिए कि आप एक तरह से विक्रम लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग करते हुए देख पाएंगे वो भी सीधे सीधे लाइव यानी एक एक्साइटमेंट लेवल जो है आपका नेक्स्ट एक तरह से लेवल पर ही पहुंच चुकी है जी हाँ कल लाइव जो है आपका शाम छह बज के चार मिनट पर जो है एक तरह से ये होने वाली है और जो है ये आप सभी लाइव कल देख पाएंगे ठीक है तो आपका जो है वेलकम बडी है ना वेलकम बडी यानी स्वागत है दोस्त और थैंक्स फॉर द राइड आ, मेट यानी सवारी के लिए शुक्रिया साथी जैसे अनौपचारिक एक तरह से शब्दों का प्रयोग करते हुए जो है एक मैसेज जो है आपका इसरो के द्वारा छोड़ा गया है तो गुड इवनिंग एवरी और आप सभी को शुक्रिया और जितने सारे वैज्ञानिक इसमें जुड़े हुए हैं जितने सारे लोगों ने इनमें काम किया है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपना योगदान दिया है उन सभी को एक बार फिर से जो है आपका जय हिंद नमन और जो है सल्यूट है आप सभी को चलिए तो कल जो है एक तरह से जरूर इस ऐतिहासिक क्षण का आप हिस्सा बनेंगे मैं उम्मीद करता हूं बाकी बात ठीक है हम आप सभी के लिए कुछ ना कुछ बेहतर करते आ रहे हैं और आप सभी को बता दूं कि जो आज जो हिंदी की क्लास होने वाली थी ठीक है शाम के तीन बजे ठीक है वो तकनीकी कारणों से नहीं हो पाई है लेकिन आज ये क्लास होगी रात रात के के बजे बजे तो बिल्कुल भी जुड़ना मत भूलिएगा जो कि आपके जैसे पेपर वन को पूरा का पूरा हिंदी एक तरह से कवर करवाया जाएगा ठीक है एक क्लास में पूरा खत्म होने वाला है विवेक सर के विवेक से जो है हाँ आपको ये जो क्लास मिलने वाली है ठीक है क्या शानदार जबरदस्त और जबरदस्त होने वाली है ये। बाकी आप सभी को बता दूं कि जो है आपका कल सुबह छह बजे से लेकर दोपहर के ग्यारह बजे तक याद रखेंगे कल सुबह छह बजे से लेकर दोपहर के ग्यारह बजे तक आपके जेपीएससी जे एस एस सी के लिए मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट क्लास होने वाली है ब्रजेश कृष्णा सर आप सभी को जो है ठीक है एक शानदार एक तरह से राइट पर लेके चलेंगे वो भी पूरी की पूरी मिडेवल हिस्ट्री जहां पर मिडेवल हिस्ट्री अपने आप में एक चैलेंज बन के आती है विद्यार्थियों के जीवन में ठीक है क्योंकि चीजें याद नहीं होती है लेकिन आप सभी को बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताने वाले हैं कल ब्रजेश कृष्णा सर सुबह छह बजे से लेकर दोपहर के ग्यारह बजे तक कुछ तकनीकी कारणों से जो है आपका पर्यावरण संरक्षण से जुड़े चर्चित व्यक्तित्व का भी क्लास आज नहीं हो पाया तो ये कल शाम छह बजे होगी आज शाम छह बजे होने वाली थी लेकिन कल शाम बजे आपकी ये क्लास होने वाली है तो इसमें भी जुड़ना मत भूलिएगा बाकी आप सभी को बता दें पेड कोर्सेज जो है हैवी डिस्काउंट चल रहे हैं आप इनमें एक तरह से ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं बाकी बात सभी को फिर से जोहार और शुरू करते हैं आज की क्लास को जहां पर हम बात करेंगे झारखंड की अपवाह प्रणाली के बारे में ठीक है चलिए अब जो है यहां पर बात की जाएगी किसके बारे में झारखंड की अपवाह प्रणाली के बारे में मैं उम्मीद करता हूं कि जो है आप ठीक है इस जो चैप्टर है इसको पढ़ने के बाद यह जो टॉपिक है इसको पढ़ने के बाद अपनी तैयारी को और बेहतर बना पाएंगे ठीक है अपनी समझ को जो है एक तरह से और विकसित कर पाएंगे आपको एक मैप दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर यह जो मैप है दरअसल जो आपका किसका है अपवाह प्रणाली का है सबसे पहले तो हम आपको समझाते हैं कि आखिर अपवाह का क्या मतलब होता है यानी ड्रेनेज का क्या मतलब होता है अपवाह ड्रेनेज का मतलब होता है दोस्तों द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ फिक्स्ड पाथ वाटर थ्रू अ फिक्स्ड पाथ यानी एक निश्चित मार्ग द्वारा जल का प्रवाह जल का प्रवाह क्या कहलाता है यही कहलाता है आपका ड्रेनेज कहलाता है याद रखेंगे लेकिन जब इसी ड्रेनेज का क्या होगा आपका एक नेटवर्क होगा नेटवर्क ऑफ मल्टीपल ड्रेनेज कई अपवाहों का जब जाल होगा कई अपवाहों का अपवाहों का जब जाल होगा तो उसी जाल को क्या कहा जाता है उसी को कहते हैं अपवाह तंत्र क्या बोलते हैं उसी को कहा जाता है अपवाह अपुआ, अपवाह तंत्र यानी उसको कहते हैं इंग्लिश में ड्रेनेज सिस्टम जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं दामोदर नदी की सिर्फ बात करेंगे तो दामोदर नदी एक अपवाह है लेकिन दामोदर नदी और उसकी सहायक नदियों को पूरी तरह से मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा एक अपवाह तंत्र बन जाएगा है ना क्या बनेगा एक अपवाह तंत्र बन जाएगा अगर हम बात करते हैं उत्तरी कोयल उत्तरी कोयल सिर्फ एक नदी है लेकिन उत्तरी कोयल के साथ जो है आपका बाकी सारी जो उसकी सहायक नदियां हैं उसको मिला दिया जाए क्या बन जाएगा आपका उत्तरी कोयल एक अपवाह तंत्र बन जाएगा ध्यान रखेंगे क्या बन जाएगा उत्तरी कोयल एक अपवाह तंत्र का निर्माण करेगा ठीक है अब यहां पर अगर हम बात करते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम समझेंगे आखिर जो है ये जो अपवाह प्रणाली है झारखंड की ठीक है आखिर उसमें क्या क्या चीजें आती है ध्यान रखेंगे देखिए झारखंड की अपवाह प्रणाली के मुख्य घटक साथ ही साथ आप बनाते जाइएगा तो चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी झारखंड की अपवाह प्रणाली के प्रणाली के मुख्य घटक यानी जो है थोड़ा आपको स्लो फील होगा लेकिन जो है आपको चीजें अच्छे से समझ में भी आएंगी मेन कंपोनेंट ऑफ सिस्टम ऑफ झारखंड ठीक है पूरी की पूरी क्लास मैप बेस्ड होगी तो इसीलिए जो है आपका स्टेशन के साथ जुड़े रहिएगा अंत तक जुड़े रहिएगा तभी जाके आपको चीजें समझ में आएंगी अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं आ पाएंगी तो ध्यान रखेंगे इसमें क्या क्या आता है इसमें आता है आपका नदियां यानी रिवर इसमें आता है आपका जलप्रपात यानी वॉटरफॉल इसमें आता है आपका झील यानी लेक्स और इसमें आता है आपका गर्म जल यानी जिसे हम कहते हैं हॉट स्प्रिंग हॉट स्प्रिंग ये तो मेन कंपोनेंट हो गया ध्यान रखिएगा झारखंड में जो मुख्य नदियां हैं वो कितनी नदियां हैं आठ नदियां हैं और ये एग्जाम में पूछा गया है झारखंड की मुख्य नदियां मेजर रिवर ऑफ झारखंड ठीक है वो कितनी है आपका आठ है इन सारे चीजों के बारे में हम बात करेंगे ठीक है ठीक है सर थोड़ा फास्ट सर लाइव है सर लाइव में अब ऐसे ऐसे थोड़ी होने लगेंगे एकदम तो जो है फास्ट फॉरवर्ड टू एक्स में ठीक है जितना स्पीड है उतना ही पढ़ाया जाएगा और लिखना पड़ता है सर ठीक है और अगर आपको लग रहा है कि बहुत स्लो चल रहा है तो पेन पेपर निकालिए और लिखना शुरू कीजिए ठीक है कोई गदर मूवी नहीं है ये है ना गदर मूवी नहीं है कि जो है तुरंत तारा जो है आपका इंडिया से पाकिस्तान पहुंच गया ट्रक में बैठ के है ना थोड़ा समय लगता है अब सबसे प्रमुख नदी है वो है आपका कौन सी दामोदर नदी ध्यान रख लीजिएगा है ना हाँ ये दामोदर नदी अब दामोदर नदी की बात करते जहां से ये नदी निकलती है इसे कहा जाता है आपका क्या इसे कहते हैं टोरी चंदवा का क्षेत्र है जो कि चूल्हा पानी कहलाता है और ये कहां पे है यह टोरी चंदवा, लातेहार लातेहार में यह लातेहार से निकलती है लातेहार लोहरदगा रांची रामगढ़ ठीक है हम साथ ही साथ इसको घुमाते चलते हैं ताकि आपको जो है एक तरह से दिखाई दे है ना तो लातेहार लोहरदगा ठीक है आपका रांची रामगढ़ आपका जो है बोकारो धनबाद होते हुए ये सीधे चली जाती है आपका कहाँ पे पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल में पहुंचने के बाद जो है आपका यह जाके मिल जाती किस में आपका यह मिल जाती है आपका हुगली नदी में दरअसल जो है आपका यहां पर एक नदी है जिसे क्या कहा जाता आपका इसे कहा जाता है आपका हुगली नदी बोलते हैं है ना क्या बोलते हैं इसे हुगली नदी कहा जाता है हुगली दरअसल गंगा की ही क्या आपका एक वितरिका है दोस्तों क्या है गंगा की ही एक वितरिका है वितरिका का मतलब होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटरी है ना क्या कहलाता है आपका ये डिस्ट्रीब्यूटरी तो ये जो आपका भागीरथी कहलाती है भागीरथी इधर जो आपका ये गंगा नदी हो जाएगी और इस जगह पे एक जगह है जिसे फरक्का कहते हैं और इधर कहलाती है आपका हुगली कहलाती है वितरिका का मतलब आपका मुख्य नदी से अलग होने के बाद फिर से दोबारा उसमें जाके नहीं मिलती है इसलिए सब वितरिका यानी डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं तो जहां पर जाके मिलती है ये जो क्षेत्र है ये जो जिला है ठीक है वो कौन सा आपका पश्चिम बंगाल का हावड़ा जिला है याद रखेंगे हालांकि मेरे पीछे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन यूं समझ लीजिए कि जहां पर यह मिल रही है ये कौन सा आपका ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है ठीक है पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है है ना अब यहां पर ध्यान रख लीजिएगा यहां पर याद रखेंगे कि ये जो दामोदर नदी है ठीक है पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए जाती है है ना कहां पर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए जाती है जहां से निकलती है और जहां पे जाके मिलती है वहां तक लंबाई आपको कितना मिलेगा यह मिलेगा पांच किलोमीटर अब यहां पर ध्यान रख लीजिएगा इसकी कुछ सहायक नदियां आकर मिलती है जिसमें से एक जो है इसे कहा जाता है आपका कौन सा इसे कहते हैं आपका बराकर नदी कहते हैं बराकर नदी कहा जाता है है ना क्या बोलते हैं बराकर नदी कहते हैं इसके बाद जो है ध्यान रख लीजिएगा इसी क्षेत्र से एक नदी निकलती है जिसे क्या कहा जाता है आपका इसे कहते हैं आपका जमुनिया नदी कहा जाता है है ना इसके बाद जो है आपका हजारीबाग के पठारी क्षेत्र से निकलती कौन सी आपका कोनार नदी कोनार की सहायक नदी है आपका कौन सा बोकारो इधर से जाकर मिलती है कौन सा आपका भैरवी नदी मिलती है हालांकि यूं तो कई सारी नदियां हैं बट आपको सबको याद रखने की जरूरत नहीं है केवल और केवल जो आपका मुख्य नदी को नाम मुख्य नदी का नाम याद रखना है अब इसी दामोदर के किनारे किनारे कुछ शहर बसे हुए हैं जिसमें से एक तो याद रख लीजिएगा रामगढ़ जिले का जो पत्रातू है वो पत्रातू आपको इसी के किनारे पर मिलेगा पत्रातू से आगे जाएंगे तो आपको रामगढ़ इसी के किनारे पर मिलता है आपका बोकारो जो है इसी के किनारे पर है इसी के किनारे पर आपको चास भी देखने को मिलेगा इसी के किनारे पर आपका धनबाद शहर आपको देखने मिलता है इसी के किनारे पर आपको जो है सिंदरी भी देखने को मिलेगा और साथ ही साथ जो है आपका जो झारखंड की कोल कैपिटल कहलाती है वो झरिया भी इसी के किनारे पर है ध्यान रखेंगे ठीक है बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा है ना बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा चमकीले से लिखे सर दिख नहीं रहा है सर सारे कलर तो दिखाई दे रहे हैं सर ठीक है और एक्चुअली लाइट नहीं है तो हो सकता है कि जो है आपका कुछ थोड़ा ब्राइटनेस कम दिख रहा होगा चलिए अब एक एक करके हम यहां पर आपको बताते हैं कुछ खास चीजें मैप आप आपने देख लिया अब एक एक करके बात करते हैं सबसे पहले जो आपको ध्यान रख लेनी है दोस्तों ठीक है क्योंकि साथ ही साथ अगर लिखते जाएंगे तभी जाके आपको चीजें याद रहेंगी तो दामोदर झारखंड की सबसे पवित्र नदी के रूप में जानी जाती है तो याद रख लीजिएगा इसका उपनाम क्या है इसका उपनाम यानी जिसे हम कहते हैं निक नेम निकनेम क्या है तो यह है आपका देव नदी क्योंकि यह झारखंड में सबसे ज्यादा जो एक तरह से पवित्र नदी के रूप में पूजी जाती है चूंकि बंगाल वाले क्षेत्र में पहले बाढ़ की समस्या बहुत ज्यादा थी इसलिए इसे क्या कहा जाता था बंगाल का शोक कहते थे यानी पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है या बंगाल का शोक कहते थे यानी सौरव और बंगाल बंगाल का शोक आप हमें बताइए बिहार का शोक किसे कहा जाता है सौरों ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं है ना ध्यान रख लीजिएगा अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है इसका उद्गम है ना क्या याद रखना है उद्गम यानी जो है इसका ओरिजिन और ध्यान रख लीजिएगा ओरिजिन आपको जैसा बताया कि ये कहां से निकलती है आपका चूल्हा पानी और यह चूल्हा पानी कहां पर पड़ता है आपका यह पड़ता है आपका टोरी चंदवा के क्षेत्र में चंदवा के क्षेत्र में जो कि पड़ता है आपका ये लातेहार जिले में पड़ता है है ना ध्यान रखेंगे कहां पे लातेहार जिले में पड़ता है ठीक है अगर ये सब कुछ ना रहे तो तब जाके क्या हो जाएगा आपका तब जाके हो जाएगा छोटा का पठार है ना क्या होगा छोटा नागपुर का पठार यानी छोटे प्लेटू याद रखेंगे अब नदी अगर निकल रही तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जाकर मिलेगी तो जहां पर जाकर ड्रेन करती है उसे उसका क्या कहा जाता है आपका माउथ कहते हैं यानी मुहाना कहा जाता है ध्यान रख लीजिएगा ठीक है कोसी वाह वाह बहुत बढ़िया कोसी निकलती है आपका नेपाल से ठीक है सात धाराओं के रूप में निकलती है इसलिए सप्त कोसी कहा जाता है हालांकि जो मुख्य धारा होती है उसे क्या कहते हैं आपका अरुण नदी कहते हैं ध्यान रख लीजिएगा है ना इसके बाद जो है आपका जहां पर जाकर मिलती है वो जो है आपका कौन सा है हुगली नदी है दोस्तों ठीक है कौन सा हुगली नदी एट हावड़ा हावड़ा पश्चिम बंगाल यानी जहां पर जाके मिलती है वो से मुहाना कहा जाता है और यह जाके कहां पे हुगली नदी में मिलती है जाहिर सी बात है जहां से से निकल रही वहां से, और जहां पे जाके मिल रही है वहां तक क्या होगी कुछ ना कुछ इसकी लंबाई होगी तो उसे कहा जाता है उसकी कुल लंबाई बोलते हैं <coughs> एकदम हम आपको सिस्टमेटिक वे में पढ़ा देंगे पूरी की पूरी तो टोटल लेंथ याद रख लीजिएगा ठीक है वो कितना हो जाएगा आपका पांच किलोमीटर कितना होगा किलोमीटर अब पांच में ध्यान रख लीजिएगा यह झारखंड में कितना लंबाई है दोस्तों तो झारखंड में इसकी लंबाई आपका 290 किलोमीटर कितना है 290 किलोमीटर और यही जवाब से पूछा जाएगा पश्चिम बंगाल में कितना है तो पश्चिम बंगाल में इसकी लंबाई हो जाती कितनी यह हो जाती है आपका 302 किलोमीटर अब आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि जो आपका दामोदर नदी कितने राज्यों से बहती है कमेंट करके आप मुझे बताइए ठीक है कमेंट करके आप मुझे बताइए कि मतलब जो आपका दामोदर नदी कितने राज्यों से होकर बहती है ठीक है इसके बाद जो है ध्यान रखेंगे इतनी दूरी तय करती है तो किसी ना किसी जो है आपका जिले से पास होती होगी है ना किसी ना किसी जिले से पास होती होगी तो जिन क्षेत्रों से पास होती है उसे उसका क्या कहलाता है उसे उसका अपवाह क्षेत्र कहते हैं यानी ड्रेनेज एरिया कहते हैं और याद रख लीजिएगा पूरे झारखंड में सबसे बड़ा जो ड्रेनेज एरिया है आपका किसका दामोदर नदी का ही है याद रखेंगे तो चूंकि ये लातेहार से निकलती है ठीक है लातेहार से निकलने के बाद आपका लोहरदगा को जाती है लोहरदगा से फिर आपका जो है रांची के छोटे से एरिया को टच करती है रांची से सिर सीधे जो आपका कहां पे रामगढ़ चली जाती है रामगढ़ के बाद जो है आपका सीधे कहां पे जाती है बोकारो जिले में प्रवेश करती है और बोकारो के बाद आपका कहां पे जाती है आपका धनबाद याद रख लीजिएगा यहां पर मैं एक पॉइंट नोट करके लिख दे रहा हूं ठीक है नोट करके मैं यहां पर लिख दे रहा हूं क्या तो याद रख लीजिएगा कि जो है आपका लार्जेस्ट ड्रेनेज एरिया है ना इसका जो है आपका लार्जेस्ट ड्रेनेज एरिया आपको मिलेगा दोस्तों ड्रेनेज एरिया यानी सबसे बड़ा अपवाहा क्षेत्र इसी का है सबसे ज्यादा जिलों से होते हुए गुजरती है सबसे बड़ा अपवाहा क्षेत्र इस तरह की सिस्टमेटिक वे में ना तो आपको किताबों में मिलता है और न ही कोई आपको पढ़ाएंगे तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जिस सिस्टमेटिक वे में आप पढ़ रहे हैं ठीक है ये आपके एग्जाम में बिल्कुल काम आएगा है ना अब जिन क्षेत्रों से होते बहती है छोटी बड़ी नदियां आकर मिलती है उसे क्या कहा जाता है आपका उसे कहते हैं आपका सहायक नदियां कहते हैं है ना क्या बोलते हैं उसे जो है उस नदी का सहायक नदी कहा जाता है यानी जो आपका ट्रिब्यूटरी कहते हैं ध्यान रखेंगे तो सहायक नदियां यानी ट्रिब्यूटरीज की जब बात करते हैं तो ये जो है आपका कौन कौन सी नदियां हो जाएंगी तो याद रखिएगा जैसे आपको नाम याद रखना है बराकर इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है दोस्तों ठीक है इसके बाद याद रख लीजिएगा कोनार कोनार के बाद याद रखेंगे जमुनिया है ना जमुनिया जमुनिया के बाद याद रख लीजिएगा जैसे कतरी है ना कतरी भी इसी सहायक नदी है याद रख लीजिएगा ठीक है इसके बाद जो आपका बरकी बरकी के साथ ही साथ जो आपका भेड़ा या जिसे भैरवी नदी कहते हैं है ना क्या कहते हैं भैरवी नदी कहा जाता है ये इसकी सहायक नदियां हैं है ना ये इसकी सहायक नदियां है अब यहां पर ध्यान रख लीजिएगा सहायक नदियां तो आकर मिल रही हैं लेकिन अब यहां पर क्या देखने मिलेगा इसके किनारे किनारे पर जहां पर सहायक नदियां मिलती हैं जनरली वहां पर कुछ ना कुछ शहर भी बसे होते हैं या मेन नदी के किनारे पर कुछ शहर बसे होते हैं ध्यान रख लीजिएगा अब यहां पर अगर आपसे पूछा जाएगा कौन कौन से प्रमुख शहर स्थित हैं इसमें प्रमुख शहर कौन कौन से स्थित हैं यानी मेजर सिटी जब आपसे पूछा जाएगा तो ध्यान रखेंगे दोस्तों सिटी में क्या क्या हो जाएगा आपका जैसे आपका पतरातू रामगढ़ जिले में स्थित है पतरातु कौन कौन जानते हैं पतरातु घाटी भी है पतरातु के साथ साथ ठीक है भगवान राम का गढ़ रामगढ़ आपको मिलता है ठीक है आपका बोकारो जिला इसी बोकारो जो शहर है इसी के किनारे पर मिलेगा इसके अलावा बोकारो में ही उपस्थित आपका चास इसी के किनारे पर मिलता है आपका धनबाद इसी के किनारे पर आपको मिलेगा साथ ही साथ जो आपका सिंदरी इसी के किनारे पर मिलेगा और याद रखेंगे कोयला नगरी के नाम से प्रसिद्ध झरिया भी इसी के किनारे पर स्थित है है ना झरिया भी इसी के किनारे पर आपको देखने मिलेगा हम थोड़ा सा जो है ना लाइट ये कर लेते हैं उसके बाद हम आपसे मुखातिब होते हैं आप लोग इसको लिखते जाइएगा साथ ही साथ ताकि कहीं दिक्कत ना हो चलिए तो ये जो है आप सभी को क्या करनी है थोड़ी थोड़ी याद रखते जानी है ताकि जो है कहीं पर भी कोई दिक्कत हो अब यहां पर याद रखेंगे ये तो प्रमुख शहर हो गए अब जब भी कोई बड़ी नदी होती है तो उसके किनारे पर या पर उस पर क्या होते हैं प्रमुख बांध वगैरह बनाए जाते हैं या प्रमुख परियोजना होती है याद रख लीजिएगा इसमें कौन सी प्रमुख परियोजना है तो आप सभी पढ़े ही होंगे इसमें जो परियोजना है दोस्तों ठीक है मेजर प्रोजेक्ट की जब हम बात करेंगे तो इंडिपेंडेंट इंडिया का जो आपका पहला परियोजना मिलता है जिसे क्या बोलते हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना कहा जाता है क्या बोलते हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना कहते हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना कहा जाता है दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट कहते हैं अब ये जो दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट है ये स्वतंत्र भारत की पहली है जिसकी शुरुआत कब किया गया था आपका सात जुलाई 1948 सौ ईस्वी को किया गया था याद रखेंगे और यह जो आपका झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना है ना सात जुलाई 1948 सौ ईस्वी को इसको शुरुआत किया गया याद रखेंगे अब जाहिर सी बात है परियोजना है तो इस पर क्या होगा कुछ ना कुछ बांध भी बने होंगे जी हाँ तो अगर हम बात करेंगे इसमें कौन कौन से प्रमुख बांध हैं किस पर इस नदी पर प्रमुख बांधों की बात करते हैं तो याद रख लीजिएगा इसमें कुछ मेजर डैम आपको मिलेंगे और वो मेजर डैम जो है आपका कौन कौन से हैं तो सबसे पहला याद रख लीजिएगा कौन सा आपका सबसे पहले याद रख लीजिएगा आपका जैसे अगर मैं बात करूं तो बोकारो जिले में ही स्थित है आपका कौन सा बोकारो जिले में स्थित है आपका तेनूघाट डैम कौन सा तेनूघाट डैम तेनूघाट बांध और याद रखेंगे तेनूघाट डैम जो है आपका 1973 में बना और ये जो तेनूघाट डैम है ये कहां पे आपका ये बोकारो जिले में स्थित है है ना कहाँ पर है बोकारो जिले में स्थित है इसके बाद याद रखेंगे इसी में आपको मिलेगा आपका कौन सा बेरमो बांध मिलता है है ना कौन सा बेरमो बांध मिलता है ये बेरमो बांध भी कहां पे है ये जो आपका बेरमो बांध बोकारो जिले में ही स्थित है Osionfish. तो इसमें भी आप बोकारो ही लिख लीजिएगा क्या आपको पता है अय्यर नाम से भी आपको एक बांध मिलता है इसी पर है ना इसे बोलते हैं आपका अय्यर बांध अय्यर डैम बोलते हैं ये जो अय्यर बांध है दोस्तों ये भी आपको बोकारो जिले में ही मिलेगा है ना पिछले क्लास में आपको बोकारो जिले का स्थापना बताया था आप लोग हमें बताइए कि जो आपका बोकारो जिले का स्थापना कब हुआ था और जो है आपका चौथा डैम है आपका कौन सा वो है पंचेत बांध है ना कौन सा पंचेत बांध और पंचेत बांध की बात करते हैं तो ये आपको मिलता है कहां पे धनबाद जिले में है ना पंचेत डैम मिलता है धनबाद जिले में तो जब हम एक नदी पढ़ते हैं तो उसके साथ ही जो है कई सारी चीजों को चूल्हा पानी आपका लातेहार जिले में है और आप कहेंगे कि जो है नहीं ये तो आपका लोहरदगा जिले में लोहरदगा में भी है आपका जो है लातेहार में भी है जहां से निकलती है दामोदर नदी वो जो आपका लातेहार का चूल्हा पानी क्षेत्र है याद रख लीजिएगा एग्जैक्टली exactly जहां से निकलती जैसे आपका स्वर्णरेखा निकलती है आपका कहां से स्वर्णरेखा निकलती है रानी चुआ से एक छोटा सा कुआं जैसा है उसी तरह से आपका जो है दामोदर नदी का जो उद्गम होता है वो रानी चु चूल्हा पानी से होता है याद रख लीजिएगा अब ये सारी चीजें प्रमुख बांध याद रखेंगे है ना प्रमुख बांध के साथ साथ आप याद रख लीजिएगा ये जो नदी का क्षेत्र है दोस्तों ये काफी ज्यादा खनिज संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है और इसीलिए आप याद रख लीजिएगा इस नदी के क्षेत्र में कौन कौन से प्रमुख खनिज पाए जाते हैं है ना मेजर मिनरल रिसोर्सेस आपको देखने को मिलते हैं मेजर मिनरल आपको देखने मिलेगा और वो कौन कौन सा है आपका वो है आपका कोयला है ना कौन सा है कोयला आपको ज्यादातर यहां पे देखने मिलता है साथ ही साथ आपको अभरक भी देखने को मिलेगा है ना कौन सा इसी नदी घाटी के क्षेत्र में अभरक तो कोल एंड माइका जो डिपोजिशन है वो इसी नदी के घाटी के क्षेत्र में देखने मिलता है, है ना याद रखिएगा अब अगर हम बात करते हैं तो जब ये सारी चीजें पाई जाएंगी तो कुछ ना कुछ प्रमुख उद्योग भी आपको देखने मिलेंगे है ना प्रमुख उद्योग भी देखने मिलेंगे और आप सभी को पता है ठीक है मेजर इंडस्ट्री आप लोगों को पढ़ाया जाएगा तो इसमें से याद रखिए कौन कौन सा आपको मिलेगा यहां पर आपको मिलता है जैसे ठीक है भारत का पहला स्वदेशी कारखाना है ये बोकारो इस्पात संयंत्र और आप सभी जानकर यह हैरान होंगे कि इसकी स्थापना जो है ठीक है किसके रशिया के सहयोग से, से की गई थी लेकिन फिर भी हम क्या बोलते हैं इसे कहा जाता है आपका फर्स्ट इंडिजिनियस स्टील प्लांट ऑफ इंडिया बोकारो स्टील प्लांट कहते हैं है ना कब बना था ये? ये बना था आपका उनतीस जनवरी ठीक है उन्नीस ईस्वी को ये कहां पे है माराफारी बोकारो में देखने मिलेगा दूसरा याद रख लीजिएगा आपको जो है धन्यवाद जाइएगा तो आपको मिलेगा कौन सा फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा उर्वरक कारखाने की स्थापना की गई किसकी उर्वरक कारखाने की स्थापना की गई और यह उर्वरक कारखाना कहां पे है यह आपके सिंदरी में है कहां पे है सिंदरी में है तो फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर प्लांट एक तरह से कह सकते हैं या फिर फैक्ट्री कह सकते हैं आप इसे फर्टिलाइजर फैक्ट्री सिंदरी धनबाद में है दोस्तों कहां पे है सिंदरी धनबाद में इसके अलावा याद रख लीजिएगा झरिया कोयला खान जो है आपको इसी के किनारे देखने मिलेगा झरिया कोयला खान कोयला खान ये कहां पे है आपका ये धनबाद में है झरिया कोल माइन और इंडिया में तो सबसे पहले जो आपका ठीक है कोयले का खनन शुरू होता है आपका रानीगंज से लेकिन याद रख लीजिएगा झारखंड में सबसे पहले कोयले की खनन की शुरुआत होती है कहां से आपका झरिया से याद रखेंगे कहां से झरिया से अब यहां पर दो तीन पॉइंट याद रख लेनी है क्या याद रखना है पहली चीज याद रख लीजिएगा इसको मैं रेड कलर में लिख दे रहा हूं ठीक है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ झारखंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ झारखंड यानी झारखंड की सबसे लंबी नदी है ये ठीक है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ झारखंड यानी झारखंड की सबसे लंबी नदी सबसे लंबी नदी है ये दूसरी बात क्या याद रखनी है दूसरी बात आपको याद रखनी है कि ये झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है मोस्ट पोल्यूटेड रिवर ऑफ झारखंड पल्यूटेड रिवर ऑफ झारखंड झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी सबसे प्रदूषित नदी प्रदूषित नदी तो क्या दामोदर बचाओ अभियान जैसी कुछ चीजें चलनी चाहिए हाउ मेनी मैनी एस्टीज इन झारखंड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आई हैव थर्टी टू एंड फोर्टी टू बोथ ऑप्शन देन वॉट विल आई चूज यू हैव टू चूज थर्टी टू ठीक है यूल हैव टू चूज थर्टी टू बिकॉज ठीक है फोर्टी टू ट्राइब्स नहीं है झारखंड में ठीक है तो सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है याद रख लीजिएगा और इसी के प्रदूषण को बचाने के लिए जो है आपका प्रदूषित होने से बचाने के लिए वर्ष 2002 में सरयू राय के द्वारा जो है आपका दामोदर बचाओ अभियान भी शुरू किया गया ठीक है दामोदर बचाओ अभियान अब इस नदी के बारे में जैसे हमने आपको पढ़ाया कि पहले तो मैप में एक तरह से हमने देखा कि कहां से निकलती है कहा किधर को जाती है है ना और कौन इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है इसके बारे में भी बात कर लिया है ना इसके बाद जो है हमने कुछ बेसिक फैक्ट्स एक तरह से देखे जो आप सभी को क्या करनी है ध्यान रख लेनी है इसके बाद ध्यान रखेंगे ठीक है ये कुछ जो आपका प्रमुख बांध प्रमुख खनिज प्रमुख उद्योग कौन कौन से इसके नदी किनारे पर है ये सारा चीज हमने बात कर लिया झारखंड की रयन नदी भी कहा जाता है रयन नदी में नहीं समझा सर आपका ठीक है आप क्या कहना चाहते हैं ठीक है रायन नदी चलिए अब आ जाइए सीधे जो है इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है जिसे हम क्या कहते हैं आपका बराकर नदी कहते हैं याद रख लीजिएगा ठीक है क्या कहते हैं आपका बराकर नदी कहा जाता है याद रखेंगे इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है दामोदर की सबसे लंबी सहायक नदी तो याद रखेंगे यह कहां से निकलती है यह जो जगह है इसे कहा जाता है आपका पदमा बोलते हैं क्या बोलते हैं पदमा और पदमा कहां पे है दोस्तों यह है आपका हजारीबाग में याद होगा कल की क्लास में हमने बात किया था कि पदमा वॉज दी लास्ट कैपिटल ऑफ रामगढ़ राज आप हमें बताइए रामगढ़ राज की जो राजधानियां हैं ठीक है वो कौन कौन सी हैं वो एकदम सीक्वेंस वाइज बताना है मैं आपके कमेंट देख रहा हूं क्या लिखा रायन रिवर भी कहते हैं पता नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है दामोदर को रायन रिवर भी कहा जाता है रयान रायन पता नहीं क्या कह रहे हैं बताइए क्या बात है सरिता गलत कह रहे हैं आप है ना थोड़ा सा ट्रिक में आप जो है ये हो गए रामगढ़ लास्ट कैपिटल कैपिटल था जी नहीं राइन नदी बोला जाता है अरे सर <laughs> तो जी हाँ ठीक है यूरोप की एक नदी है जिसे राइन नदी मतलब बोलते हैं ठीक है दरअसल उसके किनारे पर जो आपका कोयला पाया जाता है है ना और इस कारण से उसे जो आपका ठीक है कोयला नदी भी कहते हैं है ना क्या बोलते हैं कोयला नदी भी कहा जाता है और उसी के नाम पर इसे राइन आप राइन का स्पेलिंग लिख रहे थे तो कैसे हो जब पाएगा ठीक है जी हाँ सब रीप है ना एस से सीसिया यू से उर्दा बी से बादम आर से रामगढ़ आई से इचाक और जो आपका पी से पदमा चलिए जितने सारे लोग लाइव हैं मेरे भाई मेरे बंधु मेरी बहने ठीक है आप हमें बताइए कि जो आपका पदमा जो कि रामगढ़ राज की अंतिम राजधानी थी किसने स्थापित किया था नहीं नहीं कोई बात नहीं नहीं मुझे मुझे नहीं पता था महिमा चंद्रा ठीक है दरअसल जो है मैंने आपको नहीं कहा पर्टिकुलरली मैं तो बाकी सभी को कह रहा हूं कि जो है वो स्पेलिंग ही गलत लिखे थे दस ट्राइब्स वर एडेड तो प्लीज क्लियर इट सर आई हैव ऑलरेडी क्लियर इट इन ट्राइब्स ऑफ झारखंड यू नो टॉपिक उसमें मैंने पूरा का पूरा कवर करवाया है प्लीज गो एंड वॉच ठीक है आपको वो प्ले में देखने को मिल जाएगा ब्रह्मदेव नारायण सिंह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शानदार ब्रह्मदेव नारायण सिंह तो ध्यान रखेंगे दोस्तों ये हजारीबाग से यह नदी निकलती है और सबसे पहले जो आपका उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए ठीक है आपका कोडरमा जिले से ही जो आपका दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ जाती है और याद रखेंगे यहां पर आपका कौन सा यहां पर है दिशेरगढ़ नामक जगह है कौन सा है दिशेरगढ़ दिशेरगढ़ ये आपका कहां पे? ये पड़ता आपका पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल में जाकर मिल जाती है दो सौ किलोमीटर लंबी यह जो है आपका दामोदर की सबसे लंबी सहायक नदी है यह बात भी आप सभी को क्या करनी है याद रख लेनी है सो दिस इज बराकर रिवर बराकर नदी है ये और याद रखेंगे यह आपका कौन सी यह है दामोदर नदी है ना कौन सी है दामोदर नदी अब आप सभी को मैं बता दूं बराकर के किनारे कोई बहुत बड़ा शहर तो स्थित नहीं है लेकिन हाँ आपको बता दें यहां पर आपको डैम मिलेगा ठीक है कौन सा ये तो दिखाई नहीं दे रहा मेरे भाई ग्रीन कलर में हम उसको लिख दे रहे हैं ठीक है यहां पर आपको मिलेगा कौन सा एक बांध जिसे कहा जाता है आपका तिलैया बांध कहते हैं और झारखंड का पहला जल विद्युत परियोजना जो है आपका इसी तिलैया बांध में शुरू किया गया दूसरा बांध आपको गिरिडीह में मिलेगा जिसे कहा जाता है आपका बाल पहाड़ी कहते हैं क्या बोलते हैं बाल पहाड़ी यह भी एक जल विद्युत केंद्र है जहां पर 20 मेगावाट की उत्पादन क्षमता है इसके बाद जो है आपका यहां पर एक डैम है जिसे कहा जाता है आपका मैथन बोलते हैं क्या बोलते हैं मैथन बांध कहा जाता है और मैथन बांध भी एक जल विद्युत केंद्र है याद रख लीजिएगा ठीक है आपका जो है गैस टर्बाइन आधारित जो है आपका झारखंड का एकमात्र जो है क्या है आपका जल विद्युत केंद्र है ये है ना अब ये जो है इसके बारे में हम कुछ बेसिक चीजें बात कर लेते हैं सीधे सीधे जो कि आपके एग्जाम्स में काम आएगा सबसे पहले याद रख लीजिएगा दामोदर की सबसे लंबी सहायक नदी दामोदर की सबसे लंबी सहायक नदी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर रिवर अगर आपका मीडियम हिंदी है तो हिंदी में लिखिएगा इंग्लिश है तो इंग्लिश में लिखिएगा ध्यान रखेंगे आ रहे हैं भाई ठीक है आ रहे हैं उसमें भी आ रहे हैं हम उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम्स में बेसिकली पूछा जाता है उद्गम यानी ओरिजिन और ओरिजिन याद रख लीजिएगा ये क्या हो जाएगा आपका दमा हजारीबाग अगर कुछ ना रहे तो क्या हो जाएगा आपका छोटा नागपुर का पठार क्योंकि ऐसे सवाल भी पूछ ले जाते हैं छोटा नागपुर का पठार छोटा नागपुर प्लेटू है ना ध्यान रख लीजिएगा यह कहां पर जाकर मिलती है तो इसको कहा जाता है आपका मुहाना और याद रख लीजिएगा इसका जो माउथ होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका कौन सा दिशेरगढ़ अच्छा मुहाना मतलब दामोदर नदी उसके बाद एट दिशेरगढ़ कर देते हैं दामोदर नदी एट दिशेरगढ़ आसनसोल और आप सभी जानते हैं यह आसनसोल कहां पे है वर्धमान जिले में पड़ता है यानी पश्चिम बंगाल में याद रख लीजिएगा पश्चिम बंगाल नाम को मैं इंग्लिश में नहीं लिखूंगा क्योंकि जो है आप सभी उसका जानते ही जानते हैं ठीक है अब जो है इसकी कुल लंबाई कितनी है 225 किलोमीटर टोटल लेंथ 225 किलोमीटर ठीक है अब इसकी लंबाई है तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी क्षेत्र से गुजरती होगी तो उसे उसका अपवाह क्षेत्र कहा जाता है यानी जो आपका ड्रेनेज एरिया बोलते हैं ड्रेनेज एरिया कहा जाता है अब यह हजारीबाग से निकलती है तो जाहिर सी बात है हजारीबाग में गुजरेगी ही गुजरेगी हजारीबाग इसके बाद सीधे चली जाती है आपका कहां पे कोडरमा कोडरमा से आगे बढ़ती है आपका कहां पे गिरिडीह में ठीक है और गिरिडीह से नीचे आती है कहां पे आपका ये धनबाद में आती है और सीधे चली जाती है आपका कहां पे पश्चिम बंगाल में याद रख लीजिएगा है ना इसके बाद जो है इसमें कुछ आपको सहायक नदियां मिलती है इस क्षेत्र में है ना जो कि छोटी बड़ी सहायक नदियां होती है ट्री और याद रखेंगे दोस्तों जैसे आपका उसरी, बारसोती, ठीक है केसो अक्टो गुखाना और ये ये सब जो एग्जाम में पूछा गया है ये सब एग्जाम में पूछा गया है याद रख लीजिएगा ठीक है गुरियो जो कि किताबों में आपको देखने को नहीं मिलता है याद रख लीजिएगा काको एवं इर्गा तो ऐसे ही शानदार क्लासेस करना हो तो ज्वाइन कीजिए हमारा जेपीएससी बैच मैं आपकी पूरी झारखंड जो है ना वो हलवा बनाकर रख दूंगा ठीक है आप यकीन कीजिए कभी आप फिर जीवन में आपको कहीं दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी नहीं पड़ेगी है ना इसमें जो आपका परियोजना के अंतर्गत अगर आप देखिएगा तो डीवीसी परियोजना के अंतर्गत ही इसमें भी डैम बनाए गए इसलिए सीधे सीधे आते हैं हम लोग सीधे मुख्य बांध मुख्य बांध यानी मेजर डैम और मुख्य बांधों की जब हम बात करते हैं तो याद रख लीजिएगा एक जो आपका कौन सा तिलैया बांध झारखंड का पहला बांध है दोस्तों 1951 में बनाइए 21 फरवरी 1900 सॉरी उन्नीस तिरपन को बनाइए है ना तिलैया बांध आपका कहां पे है यह है आपका कोडरमा जिले में तिलैया डैम कहां पे है ये कोडरमा जिले में है दूसरा याद रख लीजिएगा बाल पहाड़ी और ये बाल पहाड़ी कहां पे है ये दरअसल एक प्रकार का बैराज है ये और ये आपको गिरिडीह जिले में मिलेगा ठीक है तीसरा जो डैम है वो है आपका कौन सा पंचे ये आ, क्या बोलते हैं मैथन मैथन डैम और ये कहां पे है यह है आपके धनबाद शहर में ठीक है धनबाद जिले में स्थित है याद रख लीजिएगा तो तिलैया बाल पहाड़ी एवं मैथन आपको इसी पर मिलेगा याद रख लीजिएगा ठीक है अब यहां पर याद रख लेंगे कि जो है आपका बराकर जो नदी है ना बराकर नदी जो है आपका ठीक है इसी के किनारे पर एक जो है आपको प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य मिलता है तो याद रखेंगे इसके किनारे पर कौन सा प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य क्या आपने इस तरह से कभी पढ़ा था नदी बताइए मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य एकदम अरेंज्ड वे में पढ़ा था कभी आपने जिसमें आपको इस तरीके से जो है आपका कि अभ्यारण से भी अगर आपसे पूछ ले तो जो है आपको पता चल जाए कि जो है आ, 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 कौन सा वन्यजीव अभ्यारण है ठीक है तो याद रख लीजिएगा यह हजारीबाग वन्यारण दरअसल जो है आपका इसी के बीचों नदी गुजरती है ध्यान रखेंगे तो हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण याद रखेंगे 1955 में इसकी घोषणा की गई और उन्नीस ईस्वी में इसकी स्थापना की गई याद रख लीजिएगा ठीक है कब उन्नीस ईस्वी में ठीक है मेरे से ही पढ़े थे अरे क्या बात है सर बहुत बढ़िया ठीक है शानदार क्या लिख रहा है आपने पारसनाथ में है ना हजारीबाग जिले में स्थित है सर हजारीबाग जिले में स्थित है क्या लिखा आपने दामोदर रिवर की स्थापना 1948 में नदी का स्थापना 1948 में कैसे होगा सर ठीक है जो परियोजना है वो 1948 में यानी जो आपका 7 जुलाई 1948 सौ ईस्वी को लॉन्च किया गया था 7 जुलाई 1948 सौ ईस्वी को चलिए बहुत बढ़िया शानदार जबरदस्त आगे बात करते हैं अगली जो नदी है वो है आपका स्वर्ण रेखा ठीक है कौन सी नदी है स्वर्ण रेखा तो चलिए बात करते हैं हम लोग रेखा नदी के बारे में रेखा नदी जहां पर निकलती है उसे कहा जाता है आपका रानी चुआ क्या बोलते हैं रानी चुआ ये कहां पे है दोस्तों यह है आपका पिस्का नगरी में और यह पिस्का नगरी कहां पे पड़ता है यह पड़ता है आपके रांची जिले में ही पड़ता है ठीक है रांची जिले में पड़ता है याद रखेंगे बराकर का वैसा कोई उपनाम नहीं है मेरे भाई ठीक है तो इसलिए जो है आपका ठीक है वो आपको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है अब ये जो स्वर्णरेखा नदी है ये पूर्व की ओर बहते हुए ठीक है रांची रामगढ़ से होते हुए थोड़ी देर पश्चिम बंगाल के लिए जाती है और फिर जो आपका दक्षिण की ओर मुड़ती है और सरायकेला खरसावा होते हुए फिर जो है आपका पूर्वी सिबू में चली जाती है और उसके बाद सीधे आपका उड़ीसा में और उड़ीसा में जाने के बाद ये जहां पर मिलती है वो कौन सा आपका बंगाल की खाड़ी है ना कौन सा है वह है बंगाल की खाड़ी और याद रख लीजिएगा बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली झारखंड की एकमात्र नदी है ठीक है वो कौन सा आपका वो है आपका स्वर्णरेखा नदी है ना कौन सी स्वर्णरेखा नदी दरअसल ये जो स्वर्णरेखा का जो अर्थ होता है है ना आपसे अगर सवाल पूछा जाए व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ स्वर्णरेखा तो याद रखेंगे स्ट्रीक ऑफ गोल्ड है ना क्या मतलब होता है स्ट्रीक ऑफ गोल्ड याने सोने की रेखा बोलते हैं सोने की रेखा दरअसल ऐसा कहा जाता है कि पहले जो है आपका इस नदी के बालू में इस नदी के जो आपका कन में जो है आपका सोने के अंश पाए जाते थे इसलिए इसको रेखा बोलते हैं है ना रेखा बोलते हैं अब यहां पर याद रख लीजिएगा इसकी जो है आपका ये जो नदी है आपका रांची से होते हुए ये रामगढ़ रामगढ़ से होते हुए सरायकेला खरसावां सरायकेला खरसावां से पूर्वी सिंहभूम अब इसी नदी के किनार इसी नदी पर आकर मिलती है कौन सी आपका ये तो हो गया आपका कौन सी रेखा यह नाम भी याद रख लीजिएगा और यह नदी हो गई आपका कौन सी खरकई नदी खरकई नदी की बात करते हैं तो इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है हालांकि कई सारी नदियां हैं लेकिन खरकई नदी का जो उद्गम होता है वो होता है आपका कहां से सिमलीपाल सिमलीपाल उड़ीसा मयूरभंज मयूरभंज उड़ीसा में ठीक है याद रखेंगे अब यह जाकर मिलती कहां पे है यह मिलती है आपका ये वाला जो क्षेत्र है ठीक है दो मुहानी बोलते हैं इसको दो मुहानी और ये दो मुहानी कहां पे पड़ता है आपका यह पड़ता आपका सोनारी में और यह सोनारी कहां पे है यह है आपका जमशेदपुर में जमशेदपुर में ठीक है इतनी सी बात आप सो, आप सभी को क्या करनी है याद रख लेनी है।, है ना इतनी सी बात आप सभी को याद रख लेनी है अब एक एक करके हम जो आते हैं सीधे स्वर्णरेखा नदी पर आते हैं आपको समझाएंगे कुछ बेहतर चीजें आपको जानने को मिलेंगी कुछ बेहतर चीजें सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं किसके बारे में आपका सबसे पहले बात करते हैं उद्गम के बारे में क्योंकि अर्थ तो हमने देख ही लिया है अगर हम उद्गम यानी ओरिजिन की बात करते हैं तो जो हमने एक तरह से मैप में देखा है वही सारी चीजों को एक तरह से बोलेंगे तो वो याद रख लीजिएगा उसका नाम है रानी चुआ क्या नाम है रानी चुआ ये कहां पे पड़ता आपका ये पड़ता आपका पिस्का नगरी में और कभी किसी दिन हम यहां पर गए तो आप सभी को जरूर दिखाएंगे है ना कि आखिर ये है कैसा रानी चुआ नगरी अगर यह ना रहे तब जाके क्या हो जाएगा आपका छोटनागपुर का पठार हो जाएगा यह बात आप सभी ध्यान रखते जाइएगा है ना इसके अलावा याद रखेंगे दोस्तों इसका मुहाना यानी माउथ और याद रख लीजिएगा इसका जो माउथ होगा वो होगा आपका बंगाल की खाड़ी बंगाल की खाड़ी ठीक है अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा तो बंगाल की खाड़ी में कहां पर तो जहां पर मिलती है वहां पर है कीर्तनिया पोर्ट यानी कीर्तनिया बंदरगाह है तलसारी क्षेत्र कीर्तनिया बंदरगाह तलसारी क्षेत्र उड़ीसा ठीक है तो बे ऑफ बंगाल कीर्तनिया पोर्ट तलसारी रेजन ओडिशा है ना यहां पर जाकर मिलती है अब आप सभी ध्यान रख लीजिएगा मैंने क्या बताया कि उद्गम और जो है आपका मुहाना के बीच के दूरी को ही क्या कहा जाता है आपका नदी की कुल लंबाई कहते हैं है ना क्या बोलते हैं नदी की कुल लंबाई तो टोटल लेंथ आप याद रख लीजिएगा यूं तो किताबों में आपको कई अलग अलग जो है एक तरह से लेंथ मिलते हैं लेकिन जो जेएसएससी और जेपीएससी मानती है वो आपका कितना है तीन किलोमीटर कितना आपका तीन किलोमीटर और ये तीन किलोमीटर ध्यान रखेंगे ये झारखंड प्लस पश्चिम बंगाल प्लस उड़ीसा मिलाकर है ध्यान रखेंगे और लगभग जो आपका झारखंड में तकरीबन 233 किलोमीटर के आसपास फ्लो करती है याद रखेंगे कितना 233 किलोमीटर के आसपास ठीक है सर बराकर नदी किस जिला में है नीरज कुमार बता चुके हैं बराकर जो है आपका ठीक है कोडरमा ये सॉरी क्या बोलते हैं हजारीबाग कोडरमा गिरिडी और जो हाँ आपका धनबाद जिले में बहती है है ना अब यहां पर जब ये जो है क्षेत्र इतनी दूरी तय करेगी तो जाहिर सी बात है यहां पर कुछ एक तरह से कुछ जिलों से होते हुए बहेगी तो वह उसका कहलाता है क्या अपवाह क्षेत्र कहलाता है है ना क्या कहलाता है अपवाह क्षेत्र कहलाता है यानी जो इसको हम लोग कहते हैं ड्रेनेज एरिया और याद रखेंगे दोस्तों इसका जो ड्रेनेज एरिया है वो है कौन कौन सा आपका एक तो हो जाएगा आपका रांची है ना क्या होगा रांची रांची के बाद यह जाती है आपका रामगढ़ मेरे घर से महज जो आपका 3.4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है इसके बाद जो आपका सरायकेला खरसावा है ना सरायकेला खरसावा और सरायकेला खरसावा के बाद यह जाती है कहां पर आपका पूर्वी सिबूम में है ना पे पूर्वी सिबूम में जाती है पूर्वी सिबूम में जाती है याद रखेंगे ये इसका अपवाह क्षेत्र हो गया अब जाहिर सी बात है इन अपवाह क्षेत्र में जाएगी तो कुछ ना कुछ नदियां आकर मिलेंगी जिसे क्या कहा जाता है आपका सहायक नदियां कहते हैं क्या बोलते हैं सहायक नदियां कहा जाता है इंग्लिश में बोले तो ट्री है ना क्या बोलते हैं ट्री याद रख लीजिएगा छोटी बड़ी नदियां बहुत सारी इसमें हैं जैसे सबसे प्रमुख नदियों की अगर हम बात करते हैं तो आपका जैसे कांची इसी नदी पर आपका जो है क्या बना हुआ है दसम जलप्रपात बना हुआ है आपका जो है खरकई है ना इसी पर आपका ईचा बांध और गाजिया बांध बना हुआ है ध्यान रख लीजिएगा राडू इसी पर जो आपका गौतम धारा या फिर जो इससे जोना जलप्रपात कहते हैं याद रखेंगे है ना गररू गररू हो गया आपका दुलंग नदी हो गया है ना कौन सा दुलंग नदी हो गया रोरो नदी हो गया इसके बाद जो है आपका हरमू नदी रांची शहर इसी के किनारे पर बसा हुआ है हालांकि सोनरेखा के किनारे पर भी है याद रखेंगे इसके बाद जो है दोस्तों आपका डामरा चिंगरू है ना डामरा चिंगरू इसके बाद जो है आपका क्या बोलते हैं उसको गुरमा गुरमा इसके बाद आपका है दोस्तों सिंहदूबा ठीक है सिंहदुबा आपका जो है खिजौरी ऐसी ऐसी नदियां जो आपको देखने मिलेंगी और इसके बारे में एग्जाम में आ चुका है आप पीवाई क्यू उठाकर देखिएगा मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो है आपको इस तरह की नदियों के जब एक तरह से ऑप्शन मिलेंगे तो नहीं बनेगा लेकिन आपको मैं इतना भरोसा जरूर दिलवाऊंगा कि अगर आप मेरी क्लासेस कर लेते हैं तो आपको कभी भी जो है आपका ज्योग्राफी में या झारखंड पेपर में ही कहीं दिक्कत नहीं होगी है ना पूरी की पूरी जो है एक एक तरह तरह से से बहुत ही ज़्यादा उस गई। अब आकर मिल रही है तो जाहिर सी बात है इसके किनारे कुछ प्रमुख शहर भी आपको देखने मिलेंगे यसर नो और जब हम प्रमुख शहरों की बात करते हैं मेजर सिटीज की बात करते हैं तो स्वयं जो आपका झारखंड की राजधानी रांची इसी के किनारे पर स्थित है ना रांची के अलावा अगर आप देखिएगा तो आपको चांडिल है ना जो कि सरायकेला खरसावा में स्थित है चांदिल इसी के किनारे पर मिलेगा आपको जो है आदित्यपुर इसी के किनारे पर मिलेगा आपको जो है भारत का पिट्सबर्ग के नाम से प्रसिद्ध जमशेदपुर भी इसी के किनारे पर आपको मिलेगा और ध्यान रखेंगे कॉपर के लिए प्रसिद्ध आपका जो है घाटशिला और अंग्रेजों का प्रवेश इसी क्षेत्र से हुआ इसी नदी के किनारे पर स्थित है याद रखेंगे है ना इसी नदी के किनारे पर स्थित है किसका स्वर्णरेखा नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों ध्यान रखेंगे अब जैसा कि मैं आपको हमेशा से बताते आया हूं कि अगर कुछ चीजें ऐसी हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ खनिज संसाधन भी पाए जाएंगे तो याद रखेंगे प्रमुख खनिज की जब हम बात करते हैं प्रमुख खनिज की बात करते हैं मेजर मिनरल्स की बात करते हैं तो क्या क्या पाया जाता है इसके किनारे पर तो याद रख लीजिएगा इसके किनारे पर आपको मिलता है लोहा यानी जो आपका आयरन पाया जाता है इसके किनारे पर ठीक है आपको जो है मिलता है यूरेनियम है ना क्या मिलता है यूरेनियम और क्या मिलता है दोस्तों आपको मिलता है यहां पर तांबा यानी जो आपका कॉपर ठीक है एक्सेट्रा ये सारी चीजें पाई जाती हैं। जब ये सारा चीज पाया जाएगा तो जाहिर सी बात है यहां पर क्या होंगे कुछ ना कुछ उद्योग होंगे तो जी हाँ अब प्रमुख उद्योग याद रख लीजिएगा कौन कौन से प्रमुख उद्योग यहां पर स्थापित है प्रमुख उद्योग मेजर इंडस्ट्रीज तो 26 अगस्त 1907 सौ ईस्वी को स्थापित ठीक है आपको मिलेगा कौन सा यहां पर टाटा स्टील है ना कौन सा है टाटा स्टील या टाटा ग्रुप ही एक तरह से कह सकते हैं टाटा स्टील ये कहां पे है आपका ये है जमशेदपुर में जमशेदपुर में है आपको यहीं पर मिलता है कौन सा घाटशिला कॉपर कॉम्प्लेक्स घाटशिला कॉपर कॉम्प्लेक्स घाटशिला और याद रख लीजिएगा ये कहां पे है ये है आपका घाटशिला यानी पूर्वी सिंहभूम में है ठीक है कहां पे है घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में है ठीक है याद रखेंगे अब जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ प्रमुख जो है एक तरह से योजना भी होगी तो प्रमुख परियोजना याद रख लीजिएगा प्रमुख परियोजना कौन कौन से मेजर प्रोजेक्ट है यहां पर तो याद रखेंगे मेजर प्रोजेक्ट में एक ही आपका आएगा जिसे कहा जाता है नदी घाटी परियोजना क्या बोलते हैं स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना कहा जाता है नदी घाटी परियोजना बोलते हैं है ना तो यह जो है हाँ आपका वर्ल्ड बैंक के द्वारा शुरू की गई है स्वर्णरेखा और ये अलग से हम लोग पढ़ते हैं लेकिन जो है आपका यहीं पर मेंशन कर दे रहे हैं ताकि जो है आपको याद रह जाए सोनरेखा रिवर वैली प्रोजेक्ट अब जब ये प्रोजेक्ट होगा तो कोई ना कोई डैम भी बना होगा तो जी हां इसी में आपको मिलते हैं कुछ प्रमुख बांध प्रमुख बांध मेजर डैम अब इसमें से याद रखिएगा जैसे पहला गेतल बांध नाम सुने होंगे आप लोग गेतल सुद बांध ये कहां पे आपका और मांझी रांची में है और मांझी रांची में है दोस्तों ये है ना और झारखंड का पहला जो है आपका फ्लोटिंग सोलर जो पावर हाउस बनाया जाना था वो इसी में बनाया जाना था लेकिन अभी जमशेदपुर में वो बनके तैयार हो चुका है गेतल डैम आपका कहां पे है यह है और मांझी में और मांझी रांची में ठीक है और मांझी रांची में दूसरा जो है याद रख लीजिएगा चांडिल बांध चांदिल डैम आपको इसी के किनारे पर मिलेगा और चांडिल डैम कहां पे आपका ये सरायकेला खरसावां चांदिल के सरायकेला खरसावा में सरायकेला खरसावा हो सकता है मेरे पीछे दिखाई नहीं दे रहा होगा इसलिए इधर लिख दे रहे हैं तीसरा जो है आपका याद रख लीजिएगा पालना बांध पालना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जमशेदपुर के समीप है लेकिन आप याद रख सकते हैं गालूडी बैराज उसको भी हम यहां पे छोड़ दे रहे हैं कुछ क्योंकि इसके इससे रिलेटेड आपका ठीक है उससे बेहतर चीजें आपको यहां पर बता देते हैं ठीक है अब इसी नदी पर आपको मिलेगा कौन सा प्रमुख जलप्रपात ठीक है प्रमुख जलप्रपात अगर हम मेजर वाटरफॉल की बात करते हैं तो आपका कौन सा है वह है आपका हुंडरू जलप्रपात, है ना और इसकी हाइट कितनी है 98 मीटर है और यह कहां पे आपका रांची जिले में स्थित है? हुंडरू वाटरफॉल, है ना कहां पे है रांची जिले में स्थित है अब बताइए चीजें आपको समझ में आ रही है ना किनी को कोई दिक्कत किनी को कोई दिक्कत पेपर थर्ड के लिए चलिए आपके सवाल उड़ान में बहुत एरर है चलिए फर्स्ट सितंबर को आएगा बुक अच्छा आया नहीं है और पहले ही कह रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट एक तरह से टेस्ट बुक <laughs> सर देखिए एग्जाम में जो पूछा जाता है उसके आधार पर ही हम आपको बताते हैं ठीक है चलिए अब एक बात बताए किसी भी किताब से बेहतर आपको यहां पर मिला या नहीं मिला एकदम टू द पॉइंट एग्जाम में जो चीजें पूछी जाती हैं एकदम उस एकदम एग्जैक्टली एक वैसे ही बताइए एक बार अपना रिव्यू जरूर दे दीजिए है ना एक बार अपना रिव्यू जरूर दे दीजिए क्या किसी भी किताब से बेहतर कंटेंट आपको मिला या नहीं मिला नहीं मिला अरे क्या बात है चलिए अगर नहीं मिला तो क्या ही कर सकते हैं मुझे लगा कि जो है चलिए जी बिल्कुल बिल्कुल सर अच्छा अच्छा चलिए ठीक है कोई नहीं ड्राफ्टिंग है मेरे आपके पास चलिए बहुत बढ़िया जेपीएससी बैच ईएमआई में हो सकता नहीं सर ठीक है ईएमआई पे उपलब्ध नहीं है पीवाईक्यू के लिए बेस्ट बुक बताइए सारे बुक अच्छे हैं ठीक है क्योंकि पीवाईक्यू तो पीवाईक्यू होता है सर क्योंकि उसमें कोई चेंजेस होंगे नहीं इसलिए जो भी आप एक तरह से ये करेंगे वो आपका जो है वो सारे बुक अच्छे होते हैं बट कोशिश कीजिए अच्छा मैं सेम गांव से हैं सुपर डुपर हिट गुरु जी अरे थैंक यू सर सोनू धवन हाँ पूछिए अरे पूछिए 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 भाई पीवाई की के लिए कोई भी दिमाग में छप गया क्या बात है बहुत बढ़िया हाँ जी सर आप जो है पूरा मतलब आपको अलग से और कोई बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी बिल्कुल पीडीएफ मिल जाएगा पीडीएफ मिल जाएगा चलिए क्या पूछना चाह रहे थे कतई जहर क्लास हो रही चलिए बहुत अच्छा थैंक यू थैंक यू एकदम झारखंड जी के जीएस पूरा हम कवर करवा देंगे अब याद रखिएगा इस नदी के प्रदूषित होने का सबसे बड़ा कारण क्या है इस नदी के प्रदूषित होने का सबसे बड़ा कारण है इस नदी के किनारे पर यूरेनियम पाया जाता है और आप सभी जानते हैं यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिससे जो है हाँ आपका ठीक है रेडिएशन जो है हाँ हमेशा निकलते रहता है है ना ओके थैंक यू थैंक यू वेद त्रिपाठी थैंक यू सो मच कल ना मतलब वो लाइक पता नहीं कैसे वो आ गया था पता नहीं मैं कोशिश कर रहा हूं उसको रिकवर करने की बट हो नहीं रहा है हो जाएगा तो मैं जरूर वो शेयर कर दूंगा ठीक है अब यहां पर ध्यान रख लीजिएगा सर झारखंड जी के जीएस के लिए एमसीक्यू कब से करवा रहे हैं सर एमसीक्यू तो अभी रे, रेगुलर करवा ही रहे हैं अभी एक दो दिन केवल छूटा हुआ है बाकी वो जो है से कंटिन्यू रहेगा अब आप सभी को बता दें कि इसके किनारे पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाए जाते हैं दैट इज यूरेनियम और यूरेनियम के कारण से इस नदी जो है ये नदी प्रदूषित हो रही है दरअसल यूरेनियम का सही तरीके से मैनेजमेंट न किया जाए तो उसके रेडिएशन जो है आपका जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं या फिर आसपास में जो गांव वगैरह होते हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है अभी आप सभी जानते हैं कि एक जो आपका 2020 हजार इक्कीस के आसपास में एक डॉक्यूमेंट्री आई थी टेलिंग पॉन्ड जो कि इसी से रिलेटेड था आपका यूरेनियम से ही रिलेटेड था आप एक बार जरूर देखिएगा मेरे ख्याल से आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा कहीं ना कहीं तो दरअसल क्या है कि आपका एक बार सवाल पूछा गया कि स्वनरेखा नदी के जो है प्रदूषित होने का सबसे मुख्य कारण क्या है वह आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट याद रख लीजिएगा या रेडियो एक्टिव अपशिष्ट जिसको एक तरह से कहा जाता है याद रखेंगे है ना रेडियो एक्टिव अपशिष्ट तो ये सारी बातें जो है क्या करनी है आपको याद रख लेनी है ठीक है अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं चूंकि जो है अभी एक क्लास में पूरी कंप्लीट हो नहीं सकती और चूंकि अभी जो है आपका मनोज सर की भी क्लास है अभी आई थिंक हिंदी वाली क्लास है रात के अभी साढ़े नौ बजे मैं थोड़ा सा आप सभी को ब्रेक दे दे रहा हूं है ना और रात अभी साढ़े नौ बजे आप कहीं मत जाइएगा हिंदी की क्लास एकदम से धमाकेदार होने वाली है जो कि आप एक तरह से अपने सारे एग्जाम्स के लिए क्या कर सकते हैं आपका कवर कर सकते हैं है ना सारे एग्जाम्स के लिए कवर कर सकते हैं एक दूसरी वीडियो हम लेके आएंगे जहां पर आपको जो है बाकी नदियों के बारे में पूरी तरह से एक तरह से बताएंगे ठीक है पूरी तरह से आप सभी को बाकी नदियों के बारे में बताएंगे तो अभी रात के साढ़े नौ बजे याद रखेंगे कितने नाइन थर्टी में ये क्लास होगी आप इसको मिस मत कीजिएगा क्योंकि आपके पेपर वन के लिए जो आपका ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है अभी साढ़े नौ बजे ये क्लास होगी जरूर इसको ज्वाइन कर लीजिएगा ठीक है जरूर इसको ज्वाइन कर लीजिएगा बाकी आप सभी को बता दें कि कल जो है आपका कल ये क्लास होगी सुबह छह बजे से लेकर जो है आपका सिक्स ए एम से लेकर आपका जो है ग्यारह ए एम तक यानी टोटल जो आपका पांच घंटे की क्लास है जबरदस्त क्लास होने वाली है पूरी मिडेवल हिस्ट्री आपको पांच घंटे में कंप्लीट करवा दी जाएगी जो कि आपके अपकमिंग जैसे ही जेटेट जेपीएससी सारे एग्जाम्स के लिए आपका रामबान होने वाला है इसके अलावा मनोज सर की ये जो क्लास थी जो कि कल आज होनी थी शाम के छह बजे लेकिन नहीं हो पाई है ये कल आपका छह बजे होगा ठीक है कल सिक्स पी में होगा ये क्लास तो आप इसको जो है एक तरह से बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है इसको ज्वाइन कर सकते हैं बाकी आप सभी को बता दें कि अच्छा ये लास्ट स्लाइड था ठीक है बाकी आप सभी को बता दें कि जो है ओ... एक मिनट इसको रख लेते हैं भाई ठीक है बाकी आप सभी को बता दें कि जो है आपका जो पेड क्लासेस हैं वो प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं और फिर बहुत सारी चीजें हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं आप सभी के लिए ठीक है आप जरूर ज्वाइन कीजिए उन क्लासेस को और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए ठीक है आज की क्लास को रखते हैं फिलहाल यहीं तक और बाकी आपके जो है सर ये बताइए कि जैसे कि इंग्लिश नहीं पढ़े और हिंदी की तैयारी करे पेपर वन का हमें तो प्रॉब्लम नहीं होगी ना नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन इंग्लिश का जो बेसिक ग्रामर वगैरह है वो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इंग्लिश का जो बेसिक ग्रामर वगैरह है वो पढ़ लीजिएगा जी पीडीएफ मिल जाएगा सर पीडीएफ बिल्कुल मिल जाएगा ठीक है मैं पीडीएफ बिल्कुल अभी एक तरह से अपलोड कर देता हूं आपके ये पर प्रदूषित नदी दामोदर है लेकिन मैंने क्या कहा स्वर्णरेखा नदी भी प्रदूषित हो रही है और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है आपका रेडियो एक्टिव वेस्ट रेडियो एक्टिव वेस्ट ठीक तो इस है तो इसको समझना है चलिए ठीक है दोस्तों मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सेशन डू टेक केयर बाय जय हिंद एंड जोहार झारखंड बाकी आप जो है एक तरह से लगातार पढ़ते रहे अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते रहे अन अकेडमी झारखंड स्टेट एग्जाम्स के साथ अपना ख्याल रखें सभी को जोहार